सो हेलो बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा बहुत जरूरी होता है कि आप सही समय पे सही चीजों पे फोकस करें राइट आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सर जईदी 2025 का सिलेबस किस प्रकार का रहने वाला है क्या वो आपको जई 2024 जैसा ही रहेगा कौन सा टॉपिक आपको सर हटा हुआ है क्या हमको उसको करना चाहिए या फिर हम उसे छोड़ दे उसका मेंस पे क्या इंपैक्ट है एडवांस पे क्या इंपैक्ट है क्या हम उसे एडवांस के लिए छोड़ दे या कर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसका सर हमारे वेटेज पे क्या इंपैक्ट पड़ता है सभी यहां पे चर्चा करेंगे अंत तक सुनना आपको फिर हम एक चीज भी देंगे उसको प्रिंट मार के अपने दीवार पे चिपका भी देना ठीक है नॉट स्किप एनी मोमेंट ओवर हियर एंड मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग आवर मंथ रोड मैप प्लानर हमने आपको प्रॉपर यहां पर इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ मटेरियल भी प्रोवाइड किया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नहीं शुरू किया है तो फॉलो करना शुरू कर दिया आपके पास सिर्फ अभी चार महीना बचता है आपके जनवरी अटेम्प्ट के लिए

तो जनाब अगर तुम ध्यान से देखो जब आपको एनसीआर का राशन हुआ था तो उस टाइम उन्होंने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा था कि कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं सेकंड रीजन था द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जीरो टू जीरो ऑल्सो एम्फोसाइजेस रिड्यूसिंग दोड एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग विद क्रिएटिव माइंड तो भैया ये जो आपका लॉजिक है इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए अपार्ट फ्रॉम दी कोविड वन इस लॉजिक को भी ध्यान में रखते हुए मतलब था ठीक है इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले साल आपको जो ऑफिशियल सिलेबस का पीडीएफ आया था जेई दो हजार चौबीस के बच्चों के लिए वो फर्स्ट नवंबर दो हजार तेईस में आया था

राइट रेनॉर्स नंबर आपको है न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग एंड इट्स एक्सपेरिमेंट है राइट right? ये भी आपको तो रिमूवड right? है. है भले आपको मेन्स से हटा हुआ है कार्नॉट इंजन एंड इट्स एफिशियंसी अगर तुम यहाँ पे पीवा खोल के देखोगे तो एक भी सवाल आपको एफिशियंसी पे दो में नहीं देखने के लिए मिला था तो भैया जो रिड्यूस सिलेबस था उसको बहुत हद

अप्रैल अटेम्प्ट में आपको पोटेंशियो मीटर पे देखने के लिए मिल गया था That doesn't mean कि तुम फिर सारे जो आपका सिलेबस है, उसके पीछे पड़ जाओ एक सवाल आपको देखने के लिए मिल गया था ठीक बात है इसके अलावा मीटर ब्रिज ये सारे चीजें वोल्ट अमीटर, ये सारी चीजें आपको अभी भी सिलेबस का हिस्सा है साइक्लोट्रोन अर्थ मैग्नेटिज्म आपको पूरा पूरा हटा हुआ है आपको हटा हुआ है राइट right? आपको अभी भी डाया पैराफेरो का जो प्रॉपर्टीज है वो आपको अभी भी पता होना चाहिए उसके ऊपर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे क्वालिटी फैक्टर आपको रिमूव्ड है ऑल्टरनेटिंग करंट से

कम्प्लीट चैप्टर रिमूव्ड कम्युनिकेशन का तो आपको पता होना चाहिए कि भैया क्या-क्या चीजें आपको रिमूव्ड है ठीक बात है अच्छा इसके अलावा आपको चार एक्सपेरिमेंट भी रिमूव्ड है आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है आप इसको अच्छे से एक बारी देख लो ठीक बात है सर सर ये जो टॉपिक्स रिमूव्ड है इसका क्या इंपैक्ट है न्यूटनस लॉज ऑफ कूलिंग आपको थर्मल uh, प्रॉपर्टीज से रिमूव्ड है इसका मतलब है कि अब इन

हमने ये लास्ट टाइम भी बोला था इस बार भी बोल रहे इसके हटने के वजह से जेई 2024 में आपका जो बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक है मास डिफेक्ट वाला टॉपिक है उससे सवाल बढ़ गया था और अगर तुम जाके हमने अप्रैल अटेम्प्ट का का भी 2024 सॉल्व किया यूट्यूब पे अब जाके उसमें जब देखेंगे तो भैया मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी वाले से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और कुछ कुछ सवाल अच्छे भी आपसे पूछे गए हैं तो अगर कोई टॉपिक हट रहा है तो बाकी टॉपिक का वेटेज अपने आप बढ़ जाता है ट्रांजिस्टर हटा ना तो भैया लॉजिक गेट का वेटेज बढ़ गया जीना डायोड का वेटेज बढ़ गया और आप ये चीजें देख सकते थे जी 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आपको ये भी समझाता है कि क्यों आपको पीवाईक्यू और अच्छे से करना चाहिए बढ़िया है सर अच्छा सर बहुत बढ़िया है आप इसको प्रिंट मार के अपने दीवार पे कम से कम चिपका लो ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है इसका लिंक हम नीचे आपको दे देंगे प्रिंट मारिए अपने दीवार पर चिपका लीजिए ताकि आपको रिमाइंडर रहे कि भैया कौन कौन सा टॉपिक आपको यहाँ पे रिमूव्ड है ठीक बात है सर बढ़िया है सर चलिए आपने मिलते रहेंगे आपके मन में अगर और कोई प्रश्न है और कोई सवाल है तो आप जरूर से नीचे कमेंट कीजिए तब तक लिए टेक केयर विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय